भारत माता की वंदे वंदे वंदे। अभी बुलाता हूँ मैं, आराम से रहो। भारतीय जनता पार्टी के मछली शहर के जिला के अध्यक्ष श्री रामविलास पाल जी, जिला अध्यक्ष भदोही श्री दीपक मिश्रा जी, लोकप्रिय सांसद और मछली शहर संसदीय सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जी बीपी सरोज जी, भदोही संसदीय सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी लोकप्रिय विधायक श्री विनोद बिंद जी, मंच पर उपस्थित जिलाध्यक्ष सुहेल देव राजभर पार्टी श्री ब्रजभान राजभर जी, जिलाध्यक्ष अपना दल श्री लाल बहादुर पटेल जी, हमारे लोकप्रिय विधायक श्री अवधेश सिंह जी, श्री आर के पटेल जी, श्री विपुल दुबे जी, श्री दीनानाथ भास्कर जी, पूर्व सांसद श्री गोरखनाथ पांडे जी, पूर्व मंत्री श्री रंगनाथ मिश्रा जी, विधान परिषद सदस्य श्री ब्रजेश सिंह प्रिंसो जी, पूर्व विधायक श्रीमती सुषमा पटेल जी, श्री रविंद्रनाथ त्रिपाठी जी, अनिरुद्ध त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय मंत्री श्री आशीष सिंह जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी अपना दल सुहेल देव राजभर पार्टी निषाद पार्टी और एनडीए के हमारे सभी पदाधिकारी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री और हमारे महाराष्ट्र में संगठन के जो सहयोगी दल हैं उसके अध्यक्ष और केंद्र सरकार में मंत्री हैं श्री रामदास अठावले जी, वे आज यहां पर आए हैं। आपने उनका भाषण सुना होगा, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। उपस्थित यहां पर आज मड़ियाहों के रामपुर में उपस्थित मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, अभी मैं बस्ती से आ रहा हूं, वहां पे प्रधानमंत्री जी की एक बहुत बड़ी रैली थी। सुबह मैं काशी से ही जौनपुर गया हूं, जौनपुर से बस्ती, बस्ती से फिर मैं आपके बीच। आपका स्नेह मुझे भदोही और मछली शहर के लिए फिर से यहां खींच करके लेके आ गया है। आपके इस स्नेह के लिए मैं हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, लोकसभा चुनाव के 5 चरण संपन्न हो चुके हैं, छठे चरण में आपको भी मतदान करना है। मुझे अब तक देश के अंदर 12 राज्यों में चुनाव के कार्यक्रमों को बहुत नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, देश के अंदर जो रुझान है, देश के अंदर जो उत्साह है, देश के अंदर जो उमंग है, वो उमंग एक ही नारे के साथ गूंज रहा है, एक ही स्वर गूंज रहा है, और वह है कि फिर एक बार और अब की बार। बहन और भाइयों, जब हम अब की बार 400 पार की बात करते हैं तो सही बोलो मैं तो समाजवादी पार्टी को और क्षेत्रीय दलों को, कांग्रेस और उसका इंडी गठबंधन जितने हैं, इन सबको चक्कर आने लगता है, क्योंकि न तो समाजवादी पार्टी 400 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और न ही टीएमसी 400 सीटों पर चुनाव लड़ने लायक ही है। टीएमसी का तो नाम आपने पहली बार सुना होगा ना, पहली बार
बहनों और भाइयों, टीएमसी के लोग क्या बोलते हैं, कहते हैं इस साधु संतों को मार के भगा देना चाहिए। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? अरे कहां से सब ये मारित और स्वभाव आ गए हैं जो विश्वामित्र की यज्ञ साधना को विध्वंस करना चाहते हैं। अरे मारित और स्वभाव को तो राम लक्ष्मण ने त्रेता युग में ही स्वाहा कर दिया है। राम नाम सत्य है हो गया है और अब उसका परिवर्तित नाम जो आना है तो मोदी जी ने पहले ही अयोध्या में रामलला को विराजमान कर दिया है। तो कहां से टीएमसी आ गई? और समाजवादी पार्टी की स्थिति देखो, आपने कल देखा होगा समाजवादी पार्टी का नजारा। 14 में हारे, 17 में हारे, 19 में हारे, 22 में हारे, 24 में हारने जा रहे हैं। लेकिन अगर बहन और भाइयों, आपने देखा होगा उनकी उदंडता को और अनुशासनहीनता को, यानी उनका जो नारा है, कल का नजारा भी वो था उसी प्रकार का था, जैसा नारा वैसा नजारा। आपने देखा होगा जब ये थे, सपा का है एक ही नारा, जो खाली प्लॉट देखो वह है हमारा, यही बोलते थे ना ये लोग। जिस किसी का होता था कब्जा कर लेते थे। और तो जैसे ही मार्च 2017 में मुझे मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, मैंने अगले 24 घंटे की एक सीमा दी थी। मैंने कहा 24 घंटे में अवैध कब्जे अगर नहीं हटे तो फिर बाप दादों की संपत्ति से भी उन्हें वंचित रहना पड़ेगा। और आपने देखा होगा अगले 24 घंटे के अंदर सपा के गुंडों के सारे कब्जे हट गए थे। आपने देखा होगा अब तो ये समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने लायक नहीं। कल देख रहे होंगे कैसे धीमा कुश्ती हो रही थी इन लोगों में मंच पर आपस में ही। अरे जो पार्टी अपने नेता का सम्मान नहीं कर सकती है, जो पार्टी अपने बड़ों का, छोटे बड़ों का ख्याल न रख सकती हो, लिहाज न रखती हो, वह सभ्य समाज के हिस्से तो नहीं है। लेकिन क्या उनको सत्ता में आने का अधिकार होना चाहिए क्या? होना चाहिए क्या? और जो कारनामे यहां पर समाजवादी पार्टी के थे, वही कारनामे वेस्ट बंगाल में टीएमसी के हैं, उसी का परिवर्तित रूप है। अंतर कुछ केवल नाम का अंतर है, कारनामे दोनों का एक जैसे हैं, एक ही जैसे हैं। और इसीलिए तो इन सबके डीएनए कांग्रेस से मिलता जुलता है, कांग्रेस से मिलता जुलता है। बहन और भाइयों, ये लोग कहते कैसे आएगा 400 सीट, तो जनता जवाब दे देती है। और जनता का जवाब बड़ा जोरदार होता है। जनता क्या कहती है, उनसे कहती है चाहे जितना जोर लगा लो, आएंगे तो और जीतेंगे भी मोदी ही। वो बोलते हैं कैसे? वो कहते हैं इसलिए क्योंकि जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, दोनों हाथ लगा के बोलो, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, बहन और भाइयों, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जनता का यह स्वर पूरे देश के अंदर गूंज रहा है, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, इधर अरुणाचल प्रदेश से लेकर के द्वारकापुरी तक, जहां तक आप देखो चारों ओर जनता जनार्दन एक स्वर में बोल रही है, एक स्वर में बोल रही है। तो 400 पार तो 4 जून को होना ही होना है, कोई संदेह अब नहीं रह गया है। मैं तो आज केवल एक औपचारिकता पूर्ण करने के लिए आपके बीच में आया हूं। और बहनों और भाइयों, औपचारिकता ये कि चुनाव अब छठे चरण में पहुंच चुका है। आपको छठे चरण में 25 मई को मतदान करना है। दो पक्ष साफ साफ आ रहे हैं, एक पक्ष राम भक्तों का है, एक राम द्रोहियों का है।
आप देखते होंगे ये जितने रामद्रोही हैं, नाम अलग अलग है लेकिन काम सबका एक ही है कि राम का विरोध करना, और राम का विरोध करते करते ये भारत का विरोध करते हैं, हिंदुओं का विरोध करते हैं, दलितों का विरोध करते हैं, पिछड़ों का विरोध करते हैं, आम जनता का विरोध करके ये वही लोग हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर भारत के सामने पहचान का संकट दिलाया क्या पैदा किया था। ये वही लोग हैं जो देश की सुरक्षा में सेंध लगाते हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई थी। ये वही लोग हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं और माफिया के मरने पर मातम मनाते हैं। आपने देखा होगा ना, आपने देखा होगा एक माफिया अभी राम नाम सत्य है हुआ है और प्रदेश को तो ये था कि भाई चलो एक बला समाप्त हुई, लेकिन सपा के लोग आंसू बहा रहे थे। मैंने एक सपा के नेता से पूछा, मैंने कभी तुम्हें प्रदेश की जनता के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए आप लोगों को आंसू बहाते हुए नहीं देखा है? आखिर ये सब क्या कारनामा है? कहा साहब यही तो हमारे कारण दे थे जिनके कारण हम वसूली करते थे, तो अब वसूली के सारे अड्डे आप एक एक करके ध्वस्त हमारे कर देंगे तो हम लोग तो पाकिस्तान की तरह भीख मांगते हुए दिखाई देंगे। मैंने कहा देखो तुम्हें कोई भीख भी नहीं देने वाला है क्योंकि तुम्हारे कारनामे ऐसे हैं जिस घर में जाओगे तो कोई बहन और कोई बेटी, कोई माता वहां जूता और चप्पल लेकर के दौड़ाएगी क्योंकि तुम्हारे कारनामे ऐसे रहे हैं, कोई तुम पर विश्वास नहीं करने वाला है। इन्होंने उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। उत्तर प्रदेश का हमारा नौजवान, भदोही का हो या मछली शहर का, आजमगढ़ का हो या गाजीपुर का, जब ये यहां से बाहर जाता था तो पहचान का संकट माफिया इनके सामने खड़ा कर देते थे। लोग कहते थे उत्तर प्रदेश से, अरे बाप रे बाबू जहां से माफिया है लगता है तुम भी उसी माफिया से जुड़े हो, नहीं भाई कमरा नहीं देंगे, यही बोलते थे लोग, नहीं देंगे, मना कर देते थे, सबकी निगाहों से देखते थे। बहन और भाइयों आज आप जाएंगे पूरे देश के अंदर कहीं भी जाएंगे लोग कहेंगे अच्छा अब यूपी से हैं, अयोध्या की धरती से हैं, रोज आपको लोग गले से लगाते हैं, फिर आंखों पर बिठाते हैं, काशी की धरती से हैं, मां विंध्यवासिनी की धरती से हैं, और यही कारण है अयोध्या के नाम पर, यूपी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर आज आपको लोग सम्मान देने का काम करते हैं। एक समाजवादी पार्टी थी जिसने पहचान का संकट खड़ा किया और एक भारतीय जनता पार्टी है जिसने आपका सम्मान बढ़ाने का काम किया है। मोदी जी ने दुनिया के अंदर आपके सम्मान को बढ़ाने का काम किया है, देश की सीमाओं को सुरक्षित किया है। मुझे याद है यही संकट मोचन मंदिर काशी पे हमला हुआ था, मुझे याद है अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, मुझे याद है जब अयोध्या काशी और लखनऊ की कचहरियों पर हमला हुआ था। बहन और भाइयों देश के अंदर अनेक विस्फोट हुए और जब भी हम लोग बोलते थे कांग्रेस की सरकार से, समाजवादी पार्टी की सरकार से कहते थे भाई आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करो तो ये कहते थे आतंकवादी तो सीमा पार के हैं, सीमा पार हम भौचक रहते थे, हम कहते थे भाई ये इतना साधन संपन्नता किस बात के लिए है अगर हम अपने नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे सकते। बहन और भाइयों ये अपराधियों के सामने, माफियाओं के सामने, आतंकवादियों के सामने घुटना टेकने वाले लोग हैं और आज आप देखते होंगे आतंकवाद भी मोदी जी के नेतृत्व में समाप्त हुआ, नक्सलवाद भी समाप्त हुआ, अब तो पटाखा भी थोड़ा जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, वो कहता मेरा हाथ नहीं है क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ेगा नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ेगा भी।
पाताल लोक से भी निकाल करके और फिर जहन्नुम की तरफ भेजने का काम करेगा। और इसीलिए कोई अब भारत को छेड़ता नहीं है। बहनों और भाइयों, विकास के लिए कहना ही क्या है, आज भदोही की कालीन दुनिया के अंदर एक बार फिर से धूम मचा रही है। यह है भाजपा की सरकार का कार्य। आज हाईवे से आपका जुड़ाव हो गया है, रेलवे की बेहतरीन कनेक्टिविटी हुई है, इधर काशी विश्वनाथ धाम और इधर मां विंध्यवासिनी का धाम, दोनों हमारी शोभा बढ़ा रहे हैं और दोनों पर हर सनातनी को गौरव की अनुभूति होती है। उधर अयोध्या धाम अभी तीनों का हो गया है तो यदुवंशी थोड़ा ठीक ढंग से जागरूक हो जाए तो हम यदुवंश कुलभूषण भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की तरफ भी बढ़े। मैं बोलना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से, मथुरा के मुद्दे पर वे हमेशा उनका मुंह क्यों बंद हो जाता है, क्यों बंद हो जाता है? अपने को यदुवंशी कहेंगे लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की बात आएगी तो इनको वोट बैंक की चिंता होने लगती है, वोट बैंक की चिंता। तो भाइयों बहनों, देश की कीमत पर, आपकी आस्था की कीमत पर वोट बैंक की राजनीति करने वालों की जमानत जब्त कराने का ये सबसे अच्छा अवसर है। और इसीलिए मैं आया हूं, आज तो मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, आज तो विश्वविद्यालय बन रहे हैं। हमने मिर्जापुर में भी आपको एक विश्वविद्यालय दिया है मां विंध्यवासिनी के नाम पर, इधर मिर्जापुर कमिश्नरी के लिए मेडिकल कॉलेज भी दिया है। देश के अंदर बड़े बड़े संस्थान खड़े हो रहे हैं, आईआईटी बन रहे हैं, आईएम बन रहे हैं, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है, हर घर नल की योजना लागू हो रही है और नल से शुद्ध जल उपलब्ध करवाने का काम भी हो रहा है। याद करिए, इस सपा के समय में राशन माफिया आदि थे, आज 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर राशन की सुविधा फ्री में मिल रही है, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा मिल रही है, वे कहीं भी जाके उपचार करा सकते हैं, फ्री में उपचार करा सकते हैं। 50 करोड़ लोगों के घर में जनधन अकाउंट खुल गए हैं, किसानों को किसान सम्मान निधि, और बहनों और भाइयों, हर घर में शौचालय का निर्माण, उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, और यूपी में तो हमने एक व्यवस्था की है बहनों और भाइयों, 10 करोड़ लोगों को मोदी जी ने फ्री में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का कनेक्शन दिया है। और हमने व्यवस्था की है होली और दीपावली में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हम फ्री में एक भरा हुआ सिलेंडर इन घरों को उपलब्ध करवाएंगे। मोदी जी ने कहा है 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को हर वर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देंगे, 5 लाख रुपए की फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं, बाकी जितने बचे हैं 4 जून को फिर एक बार मोदी सरकार आने के बाद यह भी काम, सभी लोगों का एक एक मकान बनेगा। बहनों और भाइयों, यहां सम्मान भी है, सुरक्षा भी है, विकास भी है और गरीब कल्याण भी है। विरासत और विकास का यह अद्भुत संगम मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है। और इसीलिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। आपने देखा होगा ये समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग अब ये क्या करने जा रहे हैं, आप ही के वोट से कह रहे हैं आप वोट दीजिए, ये क्या कह रहे हैं आप वोट दीजिए और ये वोट देने की कीमत आपसे क्या इसका बदले में देंगे। कहते हैं सरकार बनते ही हम वरासत टैक्स लगा देंगे। वरासत टैक्स का मतलब आप जान गए? वरासत टैक्स का मतलब है इनका कि आपके बाप दादों ने, आपके पूर्वजों ने जो संपत्ति बनाई होगी अपने खून पसीने से,
उस संपत्ति में से आधा हिस्सा ये इंडी गठबंधन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग ले लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांग्लादेशी पाकिस्तानी अफगानिस्तानी जो घुसपैठिए आए हैं उनमें बांटने का काम करेंगे। क्या आप इसको आपको स्वीकार है क्या ये? क्या आपको स्वीकार है क्या? अरे भाइयों बहनों, ये इनके अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है, औरंगजेब की आत्मा। हमें अब स्वतंत्र भारत में औरंगजेब को जीवित नहीं होने देना है। ये जितने मंदिर हमारे तोड़े गए, चाहे वह काशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, चाहे वह मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर हो, ये सभी इस दुर्दांत औरंगजेब ने तोड़े थे। और केवल मंदिर ही नहीं तोड़े, उसने सत्ता पे कब्जा करने के लिए पहले अपने भाई की हत्या की, फिर आगरा का ताजमहल बनाने वाले शाहजहां ही उसके पिता थे, अपने पिता को उसने कैद किया और शाहजहां ने कहा था आपको किसी को पढ़ना है तो खुदा बख्त लाइब्रेरी पटना में जाकर के पढ़िए। वह लाइब्रेरी क्या कहती है वहां पे? वो कहता है, शाहजहां कहता है औरंगजेब को कोसते हुए कहता है कि कमबख्त कुछ जैसा पुत्र किसी को पैदा ना हो तो जीते जी मुझे प्यासा मारा है, तुझसे अच्छा तो वह हिंदू है जो कम से कम जीते जी अपने बड़ों को सम्मान करके उनकी देखभाल करता है और मरने के बाद भी अपने पितरों को तर्पण और श्राद्ध का कर्म संपन्न करके जल का तर्पण देता है। बहनों और भाइयों, ये औरंगजेब की आत्मा इनके मैनिफेस्टो में घुस चुकी है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के, टीएमसी के। इसीलिए टीएमसी साधु संतों को धमकी देती है, टीएमसी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है, और इधर टीएमसी आज धमकी है जैसे कोई मारी और स्वभाव आ गया हो, और इधर समाजवादी पार्टी आ रही, समाजवादी पार्टी लड़ने का काम कर रही है। लेकिन इनको चारों खाने चित्त होना ही होना है, होना है ना, होना है ना, क्योंकि ये भारत नया भारत है। औरंगजेब के जजिया कर वरासत टैक्स औरंगजेब का जजिया कर है, ये जजिया कर हम स्वीकार नहीं करेंगे। करेंगे स्वीकार आप? करेंगे बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं आ रहा हूं, इसके लिए झूठ बोलेंगे जिससे इनको लूटने का माध्यम मिल सके। हमें बहकना नहीं है, मोदी जी ने किया है और मोदी जी का नेतृत्व ही आपके लिए काम करेगा। इसीलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने श्री बीपी सरोज को मछली शहर से अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच भेजा है, और भदोही से भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने डॉक्टर विनोद बिंद को अपना प्रत्याशी बनाकर के भेजा है। इन दोनों प्रत्याशियों को विजयी बना के भेजेंगे, भेजेंगे दोनों हाथ पा करके भेजो। जितनी भारी संख्या, जितनी भीषण गर्मी है उतनी भारी संख्या आपके सचमुच अभिनंदनीय है। इतनी भीषण गर्मी में भी आपका उत्साह अभिनंदनीय है। दोनों हाथ पा करके मुझे आश्वस्त करिए, दोनों को जिता के भेजेंगे, मछली शहर से भी और भदोही से भी भेजेंगे। लेकिन इसके लिए आपको दो काम करना पड़ेगा। करेंगे, करेंगे, पीछे तक बताओ, करेंगे। नंबर एक, आज कल और परसों दो दिन का समय है। आप में से कितने लोग हैं जो ये दो दिन यानी 23, 24 और 25 तीन दिन का समय देश के लिए देने के लिए कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? देंगे? हमें देश की खातिर अच्छी सरकार बने, इसके लिए मैं आपसे अपील करूंगा कि कल और परसों हर आप में से हर व्यक्ति 10-10 घर जाकर के कमल खिलाने का अपील जनता जनार्दन से करेंगे। करेंगे? क्या बोलेंगे? कहेंगे आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए फिर से कमल खिलाना है। क्या बोलेंगे? विकसित भारत के लिए कमल खिलाना है, ठीक है। और 25 को उन सभी 20 परिवारों को आप
घर वहां मतदान केंद्र पर ले जा करके मतदान करवाना है। करवाएंगे करवाएंगे, इन दोनों प्रत्याशियों को जिता करके भेजेंगे। बहनों और भाइयों, आप इन्हें जिता करके भेजिए, सुरक्षा और इस क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी हमारी। सहमत है ना? सहमत है तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।